नमस्ते डियर स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल में मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम एक विशेष तौर पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे तो पिछले सप्ताह में क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स निकल के आ रही है पॉलिटिक्स को लेके कोविड सिचुएशन को लेके या इंटरनेशनल रिलेशन को लेके तो ये सब चीजें हम ये सेशन में कवर करने वाले हैं तो ऐसा मान के चलो कि हम एक शॉर्ट वर्ल्ड ट्रिप करने वाले हैं ताकि हमें एक मैक्रो पर्सपेक्टिव समझ जाए कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है यही मेरा इस सेशन का मकसद है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आते हैं यूएस एंड होंगकॉन्ग की अपडेट पे यूएस ने हांगकॉन्ग पे सैंक्शन लगा दिए है या यू के लो बायोलैट्रल ट्रेड एग्रीमेंट्स सस्पेंड कर दिए है अब ये एग्रीमेंट्स में एक्सट्रेडिशन एंड टैक्स एक्सम्शन दोनों मुल्कों के बीच में कवर किया जाता था ये रिटेलिएशन है ट्रम्प की सरकार की तरफ से जिसमें लेट जून में चाइना ने हांगकांग पे नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्पोज कर दिया था यानी इसमें साफ साफ राइट टू पब्लिक डिसेंट का हनन किया जाता है यानी लोग आवाज नहीं उठा सकते सरकार के खिलाफ तो इससे अमेरिका बौखला गया बिकॉज जब ब्रिटिशर्स ने चाइनीज को 1997 में हांगकांग सौंपा था तो हांगकांग और चाइना की एक यूनिक एग्रीमेंट रही थी वन कंट्री टू सिस्टम्स नाम की अब ये वन कंट्री वन सिस्टम की दिशा में जा रहा है सो एसेंशियली दिस नॉट प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ पीपल इन हांगकांग जो एग्जैक्टली exactly अमेरिका की लड़ाई है अब टैक्स एग्जेम्पन्स में जो शिपिंग कंपनीज होती है दोनों मुल्कों की तरफ से तो उन्हें एक तरीके से अपनी इनकम पे डबल टैक्सेशन सिस्टम डॉच करने मिल जाता था और इसका फायदा इन कंपनीज को पिछले तीस सालों से मिल रहा है अब हांगकांग के लिए यूएस दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना के बाद हांगकांग और यूएस का पिछले साल बायोलैट्रल ट्रेड करीब 65 बिलियन डॉलर्स का रह चुका है एंड यूएस हांगकांग के साथ 26.4 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस पिछले साल रख चुका है अब इस टर्मिनेशन के मुताबिक यूएस कंपनीज को दोनों जगह टैक्स देना पड़ेगा यानी यूएस में भी देना पड़ेगा हांगकॉग गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा पर हांगकॉन्ग की कंपनीज को सिर्फ यूएस में टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हांगकॉन्ग की कंपनीज़ के लिए उनके शिपिंग इनकम टैक्स लाइबिलिटी से एग्जेप्ट है यानी पैसा नहीं भरना पड़ेगा उस शिपिंग इनकम पे अब इसके चलते दोनों मुल्कों की शिपिंग कंपनीज की ऑपरेटिंग कॉस्ट तो बढ़ने वाली है तो इससे फायदा तो किसी को होना नहीं है और जो एक्सटेडिशन पे भी सैंक्शंस लगाए हैं तो पिछले बायोलेट्रल एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों मुल्कों में जो भी भगौड़े हैं या क्रिमिनल लोग है तो उनका सरेंडर या ट्रांसफर इन दो मुल्कों में किया जाए ये सब कंडीशन कवर्ड थी बट अब वो भी कैंसल हो जाएगी दूसरा अपडेट यहां पे निकल के आ रहा है कि कनाडा के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर बिल मोर्नू जिन्होंने रिसेंटली अपना रेजिग्नेशन दिया है वो भी कुछ दिनों से सुर्खियों में रहे हिज रेजिग्नेशन वॉज अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल एज ही टुगेदर विद प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो दे बोथ आर एलिस्ट ऑन अ चैरिटी स्कैंडल

ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो एग्रीड अपॉन टर्म्स एंड कंडीशन है उसके खिलाफ जाना क्योंकि उसमें खुद का फायदा सामने वाले बंदे को दिख रहा है तो उसे बेसिकली ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं मीनिंग द इंटरेस्ट ऑफ आर आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर दे नॉट सेम दर समझे अगला अपडेट निकल के आ रहा है थाईलैंड की तरफ से बैंकॉक जो थाईलैंड का कैपिटल है वहां पे लोगों ने डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है ये शायद नेबरिंग कंट्री यानी हांगकांग से प्रेरित हो सकता है क्योंकि हांगकांग में भी युद्ध का डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स पिछले कुछ टाइम से देखने मिला है ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये डेमोक्रेटिक मॉन्यूमेंट है यहाँ पे लोगों ने अपना प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया था अच्छा ये जो डिजाइन है इसका बहुत डीप मीनिंग है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सेंटर पीस का मतलब क्या होता है ये वाला और ये जो साइड में विंग लाइक स्ट्रक्चर्स है वो डू ऑल ऑफ दीज मीन

थाईलैंड में लेजे मेजेस्ते करके एक लॉ है तो लेजे मेजेस्ते का लिटरल मतलब होता है कि इंसल्टिंग द मोनार्क तो थाईलैंड का मोनार्क इस लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड है किसी भी पब्लिक डिफेमेशन या इंसल्ट या थ्रेट पे यानी अगर कोई वहां के मोनार्क के अगेंस्ट आवाज उठा दे तो उन्हें 3 से लेकर 15 साल तक की जेल हो सकती है अब 2014 और 2018 के बीच में करीब 98 लोग इसमें प्रोसिक्यूटेड हो चुके हैं एंड ये लॉ आसियान के बाकी मुल्कों में भी है नाउ यू टेल मी इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान एंड हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन आसियान वेल इफ यू टॉक अबाउट कम्बोडिया कम्बोडिया में एक से पांच साल की सजा है इस लॉ के मुताबिक ऊपर से ढाई हजार डॉलर तक का जुर्माना है मलेशिया में एक साल की जेल है या तेरह हजार डॉलर तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और ब्रूनी में तीन साल तक की सजा है अगली अपडेट की तरफ आते हैं बेलारूस जो आप इस मैप में देख रहे हो ये रशिया लैटविया लिथुअनिया पोलैंड और ये जो नीचे वाली कंट्री है टू द साउथ ऑफ बेलारूस ये सभी मुल्क बेलारूस से बॉर्डर शेयर करते हैं सो द कंट्री विच इज साउथ टू बेलारूस इज वॉट कंट्री लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो सो बेलारूस में भी भयंकर मात्रा में लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है एलेक्सेंडर लूकाशेंको जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है ये जोसेफ स्टैलिन से बहुत प्रेरित है पीपल ऑफ बेलारूस वॉन्ट हिम टू रिजाइन बट इन्होंने रेजिग्नेशन देने से मना कर दिया है कंप्लीट तानाशाह है ये तो जो रिसेंट इलेक्शन रिजल्ट निकल के आया है उस पर यूरोपियन यूनियन ने पूरी तरीके से उसे रिजेक्ट कर दिया है इनफैक्ट ईयू हैज एक्चुअली वाउट टू पुट सैक्शन ऑन बेलारूजियंस हुआ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेट फ्रॉड तो एलेक्सेंडर लुकाशेंको की सत्ता ऑलमोस्ट छब्बीस सालों से है इनपे अब बहुत दबाव है कि ये अब सत्ता कब बंटवारा कर दे इनफेक्ट तेईस अगस्त को ये जब अपने घर मिन्स जो बेलारूस की राजधानी है जब वो वहां जा रहे थे तो वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे थे एंड उनके हाथों में सब मशीन गन्स पाई गई थी ऑफ कोर्स साथ में बॉडीगार्ड्स भी थे बट डू यू अंडरस्टैंड हाउ अ प्रोटेस्ट मूवमेंट कैन एक्चुअली मेक एनी कंट्रीज स्ट्रॉगेस्ट डिक्टेटर बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग आउट ऑन हिस्स पावर इन द कंट्री अब रशिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आया नहीं है लूकाशेंको के हित में ये स्टोरी तो आगे अब डेवलप होगी तो आई विल ट्राई टू कवर इट इन द अपकमिंग वीडियोस अगला है रशिया वेल अलेक्जेंडर नवल ने जो रशिया के एक जाने माने एक्टिविस्ट है ये रशिया ऑफ द फ्यूचर करके एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है ही इज द फाउंडर एंड द चेयरमैन ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी इन रशिया इनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी एंड इन्हें साइबेरिया से मॉस्को ले जाया गया फॉर ट्रीटमेंट एंड इवेंचुअली ही वाज एयरलिफ्टेड फ्रॉम रशिया एंड लैंडेड इन बर्लिन तो बेसिकली जर्मनी में उनके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें ले जाया गया अब ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इनको पॉइनिंग करने की कोशिश की गई है अगली की तरफ से निकल के आ रही है चाइना ने एंटी डीज ऑस्ट्रेलिया पे लगा दिया है एंटी डंपिंग पॉलिसी मतलब इम्पोर्ट पर टैक्स लगा देना तो चाइनीस कंज्यूमर्स को ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट बहुत महंगे पड़े सो so एसेंशियली ये एंटी डंपिंग पॉलिसीज ऑस्ट्रेलिया के वाइन एक्सपोर्ट्स पे लगा दी है ताकि वो अपने डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करें अब ऐसा चाइनीज ऑफिशियल्स का कहना है ऑस्ट्रेलिया ने खुले तौर पे चाइनीज की पॉलिसीज की निंदा की है यानी किया मोस्ट ऑफ द टाइम्स सो ये एक तरीके से प्रॉबेबली रिटेलिएशन है या एक कम भी बोल सकते हैं चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से अब अगर फैक्चुअली बात करें तो चाइना ने 2015 एंड 2019 के बीच में 12 मिलियन लीटर वाइन इंपोर्ट की है एंड इसके चलते इंपोर्ट की प्राइस 13 परसेंट से गिर चुकी है 6,700 डॉलर अ किलो लीटर अच्छा मुझे कमेंट कमेंट सेक्शन सेक्शन में बताओ कि किलो लीटर कितना होता है द द नंबर इन बॉक्स बिलो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए चाइना बहुत बड़ा मार्केट है अगर हम वाइन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पिछले साल दोनों मुल्कों की बायोलैट्रल ट्रेड करीब 170 बिलियन यूएस डॉलर थी तो काफी बड़ी मार्केट है चाइना ऑस्ट्रेलिया के वाइन एक्सपोर्ट्स के लिए एन दौरान 2015 और 2019 के बीच में चीन की डोमेस्टिक कंपनीज का वाइन में मार्केट शेयर 74.4 परसेंट से 49.6 परसेंट तक आ गया सो डू यू सी दिस फॉल ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से ज्यादा चाइना को वाइन एक्सपोर्ट करता है करीब 1.1 बिलियन डॉलर्स का अब ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ठीक है यूएस डॉलर नहीं है वन बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाइना के बाद फिर आता है यूएस जहां पे ऑस्ट्रेलिया यूएस को 430 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वाइन एक्सपोर्ट करता है एंड देन यूके उसके बाद कनाडा एंड देन सिंगापुर आता है अब आते हैं कोविड अपडेट पे डब्ल्यू ने ऑफिशियली वॉर्न कर दिया है कोविड वैक्सीन को लेके कि वैक्सीन नेशनलिज्म बहुत सारी कंट्रीज में पनप रहा है वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब कंट्रीज उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है या उन कंपनीज के साथ डील कर रही है जो वैक्सीन की रेस में चल रहे है तो ऐसा क्यों कर रहे है क्योंकि रिच कंट्रीज पहले से ही अपने सिटीजन को वैक्सीन शॉट दिलाने की तैयारी कर रहे पहले डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल की जाए एंड देन फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए तो बेसिकली ये वैक्सीन नेशनलिज्म होता है कि पहले अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए रख दो एंड देन इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए रखो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल यूएस यूके जापान एंड यूरोपियन यूनियन इन सभी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील कर रखी है फाइजर से जॉनसन एंड जॉनसन से या एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनी से इमेजिन वैक्सीन अप्रूवल के पहले तो सोचिए अंडर डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज इन मुल्कों में जल्दी वैक्सीन आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बाकी मुल्क इन वैक्सीन को एक तरीके से होर्ड करेंगे यानी उनके पास रखेंगे ताकि वो अपने सिटीजन को पहले दे अब आते हैं इंडिया पे इंडिया में कोविड केसेस अब तीन मिलियन से अधिक हो चुके हैं तीन मिलियन मतलब तीस लाख लोगों को कोविड हो चुका है एज ऑफ ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी अब उसमें से एक्टिव केसेस करीब सेवन लाख एटी थाउजेंड है एंड डेथ रेट्स इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं हालांकि डेथ्स पर मिलियन रिलेटिवली कम है फोर्टी टू ही है एंड यूएस ब्राजील का फाइव हंड्रेड से ऊपर है सो so इसका मतलब है कि अगर वन मिलियन लोगों को कोविड हो रहा है तो इंडिया में सिर्फ फोर्टी टू मर रहा है सो दिस इज वट डेथ्स पर मिलियन इज वेल नंबर्स की अंडर रिपोर्टिंग को लेके भी बात की जा रही है इंडिया शायद आने वाले टाइम में ब्राजील को भी पार कर जाएगा साउथ कोरिया में इन्फेक्शन के नंबर प्रतिदिन बढ़ रहा है वहां का सारंग चर्च, का एक बन गया है ऐसे चर्चेस साउथ कोरिया में न्यू क्लस्टर्स फॉर वायरस बन रहे हैं इसके चलते साउथ कोरिया ने सोशल गैदरिंग्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते अच्छा साउथ कोरिया में कितनी पॉपुलेशन है और उनका कोविड से डेथ पर मिलियन कितना है कमेंट सेक्शन में बताओ Now, में भी रेस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए ड्यू टू दीजरलैंड में टोटल अट्ठाईस अभी तक के आयरलैंड में टोटल 1700 सो से ज्यादा मौतें हो चुकी है कोविड के चलते एंड दिस फिगर इज राइजिंग ऑन डेली बेसिस स्वीडन एंड नैदरलैंड का सिचुएशन थोड़ा वीक है अगेन इन्फेक्शन रेट को लेकर जो रोज बढ़ रहे ताज की बात है कि वहा मैंडेटरी नहीं किए डिस्पाइट ऑफ राइजिंग इन्फेक्शन दोनों मुल्क सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बहुत लीन रहे एंड एवरेज डेथ रेट वहां पर ज्यादा ही रहे नेदरलैंड में डेथ पर मिलियन है तीन सौ साठ के करीब एंड स्वीडन में है करीब पांच सौ पचहत्तर के आसपास आखिरी अपडेट आज के लिए निकल के आ रहा है अर्जेंटीना को लेके अर्जेंटीना में बेसिकली अभी भी लॉकडाउन है एंड उसे लिफ्ट नहीं किया गया लोग सड़कों पे तो घूम ही रहे हैं एंड इनफैक्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन एक्सटेंड करने के लिए सोच रखा है अब ये पिक्चर में जो आप देख रहे हो ये मोहतरमा अर्जेंटीना की वाइस प्रेसिडेंट है वहां के जो प्रेसिडेंट है एल्बर्टो फर्नांडिस कंट्री में रिफॉर्म्स ला रहे हैं जो शायद वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टिनिया को प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्ट करे बिकॉज़ क्रिस्टिनिया इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर दी एलिगेशंस व्हिच वाज़ अकर्ड व्हाइल शी वाज़ इन द ऑफिस बिटवीन 2007 एंड 2015 तो इसके चलते प्रोटेस्टर्स इन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज इन रिफॉर्म्स के खिलाफ उठा रहे हैं. स्टैटिक फैक्ट्स की बात की जाए तो अर्जेंटीना इज़ एट नंबर 12 इन केस ऑफ दी टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस करीब थ्री फोर्टी थाउजेंड के आसपास यानी तीन लाख चालीस हजार के आसपास कोविड केसेस है वहां पे एंड करीब सात हजार मौतें हो चुकी है डेथ्स पर वन मिलियन की बात करें तो ये अभी भी वन फिफ्टी फोर है वेल दिस वॉज ऑल अबाउट वीकली राउंड अप इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन शेयर दिस वीडियो विथ योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये session आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।